बिल्कुल सामने है इनके प्लेयर और रॉसी कैन यू डिनाई दैट इज ही कैन नॉट एंड रेवेनेंट जिस तरीके से खेला डिसरप्ट एक बढ़िया पिक जरूर डाला है लेट्स गो फॉर द डाइव नो वन में रॉसी का रीपोजिशन लुक्स फेनोमिनल दो प्लेयर पिट के अंदर पिट गिरेगी डिसरप्ट फाइनली पिक अप इसका जीत गई हारी तो सो गई जीत के उठा दो हाथ डेथमेकर की इस आउटलॉकों को ज्यादा वैल्यू मिलने नहीं वाली एक्सेल फॉर 140 मगर उससे पहले डेथमेकर एलिमिनेट होंगे एंड हेलेफ इंस्टेंट ट्रेड निकाला डॉसन के ऊपर विद अ स्पीरेड आउट ये थोड़ा सा परेशानी वाला समय हो सकता है एंड हेलेफ की ये बुलडॉग प्रोडक्ट है एज वेल सेवरीन आखिरी खिलाड़ी बचे इस 1v3 के अंदर एंड सेवरीन पहला प्लेयर एलिमिनेट करने में कामयाब होंगे दूसरे पे की इंफॉर्मेशन है जरूर लेकिन मिड से एक और खिलाड़ी आ रहा है ये हर एक चीज को लेकिन हेलेफ का स्पैम वो खोजेगा स्किल्स को 4v3 लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वो अल्टीमेट है डेथमेकर एक और फ्रैग और अब वो थ्रैश बहुत ज्यादा बड़ी अल्टीमेट है डेथमेकर विद अनदर नो चार्जेस क्या रेकनिंग से थोड़ी परेशानी हो जरूर रही है सेवरीन के पास वही एक अटेम्प्ट है जरूर बट द रनिंग स्प्रे टेक्नो फाइंड्स वन डिटेन किया जाएगा सेवरीन को कोई मैप कंट्रोल नहीं है स्पार्टल्स ये तो मुझे लग रहा है इस भरोसे है कि डॉसन को मिड पे फ्रैग मिल जाएगा और डेथमेकर ने शुरुआत कर दी है सेवरीन पैरा दो तो गए और यहाँ पर डॉसन के बारे में फ्रैग नहीं तो इन्फॉर्मेशन पता चली है और डेथमेकर अभी रुके कहाँ है ये खिलाड़ी तो अपना एज ढूंढ रहा है बिल्कुल सामने है इनके प्लेयर और रॉसी कैन यू डिनाई दैट इज ही कैन नॉट डेथमेकर ने सेफ डीप साइड का कंट्रोल भी मिला और डीप साइड का प्लांट भी यहाँ पे देखने को भी मिलने वाला है और अब ट्रू रिपर्स को देखना पड़ेगा रिटेक करते कैसे क्योंकि एसके रॉसी फाइंड्स डेथमेकर राउंड खत्म ही है समय ज्यादा बचा नहीं है इवन दो हेलेफ को फ्रैग मिल जाए राउंड तो नहीं आता गुड लिटिल फरिश 1v4 के अंदर देखते स्किल्स क्या क्या कर सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं यही कहा जा सकता है इस टीम के लिए एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस एक उमदा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलता हुआ ट्रू रिपर्स की तरफ से एंड रेवेनेंट जिस तरीके से खेलना चाहते थे वो कर नहीं पाए बट ये माहौल सबसे अच्छा है जस्ट लुक एट आरियो ओह यू वेर मॉर्निंग आरियो टू थ्री मैन पुश आउटसाइड बी मेन एंड तीनों में से दो ड्यूलिस्ट थे ओके वी विल टॉक अबाउट दैट डिसरप्ट एक बढ़िया पिक जरूर डाला है लेट्स गो फॉर द डाइव नो द परफेक्ट मोमेंट आर यू थैंक यू सो मच मतलब सेकंड राउंड के अंदर नाइफ देखने को मिल गया हमें इससे पुशबैक किया डॉस 9 को फ्लैश आया था पर रोकने के लिए दैट्स अनदर गुड फ्लैश ऑल अप भी हो गए सेम टाइम पे रॉसी को एक फ्रैग जरूर मिल गया एंड द ऑपरेटर फाइटिंग द ल्यू शॉट ही एज वेल स्विच अप अच्छा था और स्किल्स भी ऊपर आ चुके हैं तो टेक्निकली क्रॉस फायर एक लर्क टाइमिंग बिठानी पड़ेगी इस टाइम पे आर्यु को स्किल्स इज एबल टू गेट पास पर आर्यु ने एक और निकाल दिया इसके रॉसी आंसर्स बैक और ये स्पाइक डाउन हो चुकी है ओपन में रॉसी का रीपोजिशन लुक्स फेनोमिनल आर्यु को नहीं पता उसके बारे में एक 4v2 का ही रीटेक रहने वाला है इस 4v2 में एक मेजर टैंक दिया पॉसिबल है लेकिन डॉस 9 ही फाइंड डिस्टर्ब्ड और वापस से चीज आसान हो सकते हैं क्योंकि टेक्नो इज डाउन टू 2 HP पैराडॉक्स फिनिशिंग ऑफ लेकिन उसके बाद डीएम का एक डबल पीक के लिए है तो अभी हेवन के ऊपर से ये ड्यूल्स लेना काफी ज्यादा ट्रिकी रहने वाला है डिंग कर दिया है पेंशल आ गया फेंक भी दिया है उसको हाफ डिफ्यूजर ऑलरेडी हो चुका था डेथमेकर को फाइट लेनी जरूरी है बहुत ज्यादा लो एचपी पैराडॉक्स बट अभी के लिए जो लड़कर आए हैं टॉसमैन के रूप में इनको शट आउट करना जरूरी रहेगा लेकिन वो ड्यूल डॉस नाइन जस्ट जंप्स राइट ऑन द फेस ऑफ डिसरप्ट फ्रैग भी सिक्योर्ड पैराडॉक्स फाइंड्स अ डबल विद डेथमेकर विद डबल ऑन हिज ओन दो फ्रैग्स मिले जरूर बट पैरा रेज डिप राइट देयर डीएम भी गिराया है उसके पीछे पीछे हेलेफ को भी और उसी के साथ कॉस्मिक डिवाइड भी साथ साथ म्यूरल थे और एक एक पॉइंट और मिल जाएगा तो हेलेफ के पास भी अपना आ जाएगा डेथमेकर ने शोर स्टॉपर इस्तेमाल कर दिया सबको पीछे भेजते हैं ओए ओ माय गॉड आउच मूवमेंट गरीबी में आटा गीला गरीबी में आटा गीला आई मीन कम ऑन स्टॉप रीडिंग माय माइंड बट यस अभी के लिए डॉस 9 गेट्स द फ्रैग डन आर यू दिस इज गोना बी इट कुछ नहीं बचा अभी फ्लैट म्यूरल थेफ्ट है शायद कुछ एक दिस मिल जाए माइट लुक गुड ऑन द स्कोरबोर्ड बट वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ सेवरीन वन मोर फ्रैग इन हिज बैग रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स परफेक्टली यहां पे काम करते हुए नजर आएंगे डिटेक कर लिए और ये डीप स्मोक विल गिव द कंट्रोल ऑफ दैट एरिया टू दो प्लेयर पिट के अंदर पिट गिरेगी डिस्टर्ब फाइनली पिक अप डोंट ईवन ट्राई राउंड निकालेंगे अपनी टीम के नाम दो में आज दूसरा फ्रैग भी मतलब ये प्लेस बनाने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है पहले ये डेथमेकर को एलिमिनेट किया पिट पुश कर रहे हैं ये डिसरप्ट को पिक ऑफ किया और उसके बाद हेलेफ पे भी हेडशॉट
एक्चुअली गोइंग टू पुल पुश बी, वो सबसे बड़ा सवाल। दूसरा फ्लैश भी यूज कर लिया और एक पिंच मूव। टॉस 9 फटाफट टीपी लेके आ गए, प्लेयर्स को पिंच कर लिया, दोनों को पिक ऑफ भी कर दिया। इको राउंड था, परफेक्ट प्ले फ्रॉम रेवेनेंट। एक्सपेक्ट ही नहीं किया इस टाइप का प्ले। अरे टीपी लेता था, आर यू, आप सब टीपी ले लेते और फिर टीपी के अंदर फाइट करते क्योंकि वैसे ही वेपन थोड़े से वीक है। पर ठीक है, आइडिया जो था पुश थ्रू द टीपी और बहुत एक बेसिक ये प्ले रहता है बाइट के स्मैप के ऊपर। नेड आपके लिए दरवाजा खोल देता है एंड उसके बाद यू जस्ट फायर सम शॉट्स इन द प्ले जोन इन हुका। क्या आपने मेंशन किया, मैं खुद उम्मीद कर रहा था कि वो एक फ्लैश पीक होना चाहिए लेकिन अभी वहां पे कोई भी फ्लैश नहीं हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत। और दोबारा पुश अप कर दिया इस टाइम पे डेथ मेकर। आंसर्स बैक विद वन। रॉसी ने फटाफट से हेलप को शट डाउन किया यहां पे एंड डॉस 9 फॉलोज इट अप एज़ वेल। टेक नो क्लोज रेंज सिंगल से वैल्यू मिली, वन एंड एन एंगल है वैसे तो। लेट्स सी व्हाट कैन पैरा गेट डन। एक तो मिल गया पर चलिए ट्रेड हो गए फिर डेथ मेकर के द्वारा। Like, if we know about the player's position, हम उसके अराउंड खेलना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग खेलना चाहेंगे। Why swing Rossi का? वो मॉली पे कैपिटलाइज करना चाह रहे थे दूर से, but that does not happen. Beautiful 4K for Death Maker. But अभी तक Reverend को map control major नहीं मिला और ये close वाला player भी अभी तक survive कर रहा है। Helf support बहुत अच्छा, एक frag निकाला, Rossi the trade, but Techno ये तो शॉट वाले दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया। पैरा और सेवरी काम किया था शॉट के प्लेयर्स को शट डाउन करने का। डिसरप्ट आ रहा है पीछे की तरफ से, रॉसी को पता था और यप दैट्स इट, क्योंकि बेटर रहेगा वेपन। ऑकवर्ड एंगल लेकिन वल्नरेबल हो गए थे डिसरप्ट, खुद की मौली से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल एबल टू गेट वन। डेथ मेकर ने भी अपना पिक निकाल दिया है, जट से उन्होंने प्लेयर स्पॉट आउट कर लिया एंड डेथ मेकर पिक निकालने में कामयाब। और इसी के चलते सीरीज अपने नाम करी है ट्रू रिपर्स ने। पिछली बार प्लेऑफ में 2-0 से आगे बढ़े थे पर इस बार 2-1 क्लोज सीरीज, पर रिजल्ट फिर भी ट्रू रिपर्स के फेवर में। हमें एक सेकंड को भी ऐसा नहीं लगा कि शायद ये टीम अब पक्का जीत गई। हार यू तो सो गई जीत के। उठा दो, हाँ एले भाई उठा दो, खत्म हो गया गेम। यस 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 माइक, आर यू इज सो एनिमेटेड मैन, ही इज जस्ट डेथ मेकर। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन द स्ट्रीम and ask some questions. LODM, congratulations on your victory. बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला आपने. I know LAN पे एक बहुत close defeat थी. वो लगी ज़रूर होगी. लेकिन उसके बाद वापसी बहुत अच्छी करी आपने. Yes, thank you so much. Like you know, जब हम लोग हारे थे split, उसके बाद हम लोग का दिमाग वही चल रहा था कि जो map हो गया, भूल जाओ. Just do a reset and then उसके बाद खेलेंगे bind फिर देखते क्या होगा. क्योंकि गेम में हार जीत होते रहते हैं। ओके स्केट प्लीज। आई मीन हार जीत की बात आपने करी थी एंड अगेन एक बार मैं भी कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको क्योंकि आप जिस तरीके से खेलते हो ना ड्यूएलर्स, इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आउट देयर और आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन भी हो। मैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछूंगा एंड स्प्लिट वाले मैप के रिगार्डिंग है क्योंकि लास्ट टाइम जब आप रेवेनेंट के अगेंस्ट खेले तो आई गेस ओवर टाइम गया था वो स्प्लिट एंड इट्स ऑल थैंक्स टू आपका रेज का शो स्टॉपर वाला प्ले एक राउंड के अंदर। वो वाला मैप आप जीत गए थे पर इस बार स्प्लिट पे हमने रेवेनेंट का पूरा डोमिनेशन देखा, तो ये चेंज कहां से आया, ये क्या दिक्कत पड़ गई इस बार? लाइक अगर ऑनेस्टली बताओ, हम लोग ने जो लैन पे खेला था अगेंस्ट आरएनटी और जो हम लोग ने वो जीता था स्प्लिट, आई थिंक वो हम लोग ने कमबैक किया था फ्रॉम है 7 और 12 यहां से कमबैक किया था। हम लोग का स्प्लिट ऑनेस्टली लाइक उतना लाइक अगर मैं ऑनेस्ट बोलूँ हम लोग का स्प्लिट उतना अभी खास नहीं है लाइक अभी के लिए, बट लाइक उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हम लोग का जो मैप पुल है वो थोड़ा सा अभी कम है तो उसके लिए हम लोग को वो स्प्लिट पिक करना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग कुछ और मैप खेलते। और हाँ लाइक ऑनेस्ट बताओ तो आरएनटी ने बहुत अच्छा खेला है स्प्लिट क्योंकि वो लोग ने जो मिस्टेक्स किया था लास्ट टाइम ऑन लैन वो चीज़ पूरा लाइक ये वाले मैप में वो लोग ने नहीं किया, तो जो लोग का बहुत अच्छा है। Yes, and actually, they played actually very well on split, honestly. Oh, that's great. What went good for you then on Icebox? Because ये double controller इन्होंने आपके साथ खेला LAN पे. अभी ऐसा आपने क्या change किया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा convincingly ये जीत के गए थे. Did you get all the reads right? Like I don't know if you guys will believe it or not. Icebox में हम लोग का IGL, Helf, प्लस हम लोग का टीममेट सब, हम लोग ने सब में बोला था कि गाइस वी आर प्लेइंग दिस मैप लाइक ए पग। हम लोग जैसे पग खेलते हैं लाइक अगर टीममेट्स को कॉम ज़्यादा नहीं करेंगे, अपना इंडिविजुअल करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऑनेस्टली हम लोग ने Icebox पूरा ऐसा खेला था तो इसके लिए शायद से यू नो लाइक आप लोग को लाइक बहुत ही रैंडम चीज़ें आप लोगों को देखने मिले। तेरा पाँच Icebox पे पग मैप,
स्प्लिट हमारा मैप नहीं है, तो मतलब कौन सा मैप है डीएम, कौन सा मैप है जो आपका बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये तो आपने मिस्ट्री में छोड़ दिया। ये ऑनेस्टली लाइक आप लोग को आगे में देखने मिलेगा कौन सा मैप हम लोग का बेस्ट है, वो मैप अभी तक हम लोग का बेस्ट हुआ okay. नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कि वो वाले मैप को हम लोग एकदम ही बेस्ट करें, एंड आई थिंक आफ्टर टू गेम्स आप लोग को देखने को मिलेगा कौन सा मैप बेस्ट है फॉर श्योर। एनी सरप्राइजेस, मतलब ये मेरा फाइनल है, एनी सरप्राइजेस, कुछ ऐसा वियर्ड एजेंट कॉम्प टाइप कुछ मतलब प्रिपरेशन? ये लाइक वियर्ड एजेंट तो नहीं है ऑफ कोर्स, लाइक मैं आई डोंट वांट टू लाइक, बट हाँ देयर विल बी सम सरप्राइज फॉर श्योर, लाइक बहुत जल्दी आने वाला। ओके बस मिल गया मिल गया, कंटेंट मिल गया, थैंक यू सो मच डी। Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, 'cause that's all that